लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस बार? पांच साल सरकार लूटने भी रही, सरकार कई ऐसा काम थोड़ा नीचे करो जिसके नाम पर वोट मांगे। न नौजवान से, न किसान खुश है, न छात्र खुश है, न व्यापारी खुश है, और न ही सरहद पर बैठने वाला जवान खुश है। तो कोई तबका इससे खुश नहीं है। खुश है थोड़ा बहुत तो आपके मालिक, आप लोग भी खुश हैं, क्योंकि जो स्थिति है आज, जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पहले था, उस ग्राफ का स्वयं मूल्यांकन करिए तो ये सरकार निचले आपदान के भी नीचे चली गई, क्योंकि इसने जो कहा एक भी काम अच्छा नहीं किया। अच्छा दिन आने वाला है, अभी भी जनता खोज रही, उम्मीद में है कि शायद 15 लाख आ जाए। उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा के सो रहा है। इनके मित्र अदानी साहब दुनिया के 10 करोड़पतियों में आ गए, फिर कौन अमीर, कौन अमीर का मानक क्या? जो अदानी इतना आगे बढ़ गया तो मैं कैसे कह दूँ अदानी जी ने अमीर होकर रो रहे हैं? इनकी तो माल बढ़ गई, और तो और इंडियन एयरलाइंस बिक दी गई। एयरलाइंस पता कर साहब को चढ़ने के लिए 2 जहाज आई है 16 करोड़, और पूरी इंडियन एयरलाइंस 18,000 करोड़ में बिक गई। तो ये पैसा उन्हीं को देते हैं, इंडियन एयरलाइंस इतनी बड़ी सेटअप है। आप बताइए, दुनिया की अद्भुत देश है, इतना बड़ा देश जिसके पास अपना कोई जहाज नहीं, इतनी बड़ी जो हम दुनिया में हम महाशक्ति बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और कल कोई इराक में, कहीं ईरान में, कहीं अमेरिका में, कहीं ब्रिटेन में, कहीं फ्रांस में, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए तो आप बताइए कि हमको तत्काल जो सरकार से जहाज भेजना चाहिए। हमारे पास जब जहाज नहीं है और हमारा एग्रीमेंट जब उन पूंजी या कोई भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होने से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो सेटअप है उसमें पहले सबसे पहले अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट हमने दिया, आप पता के लिए 70% रुपया हमने बांटा, टेंडर हमने किया, इन्होंने उसके बदले में क्या किया? जो हाइट हमने दिया था दुनिया के बड़े बड़े, हम तो दुनिया के 2-4 देश छोड़ दीजिए जहाँ मैं नहीं गया हूँ, तो अमेरिका से लगाए, फ्रांस से लगाए, कनाडा से लगाए, कोई ऐसा देश नहीं बचा जहाँ मैं नहीं गया। उनकी हाइट इतनी अच्छी मिलती है जो जा रहा है, आप बताइए ना, इनके रोज बछड़ा और सांड से कम से कम अभी तक जब से चालू है पूर्वांचल एक्सप्रेस, कम से कम 10-15 तो मेरे इलाके के लोग हैं जो मर चुके हैं। 5 लड़का मऊ का मेरे यहाँ इम्तियाज साहब अभी बैंक के हैं, शायद होंगे भी अभी फिर दिखाई दे रहे हैं इम्तियाज साहब, 5 लोग उनके घर के मरे हैं अभी, 5 तो हम बहादुरगंज वाले। तो मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी जोगी जी कहीं से वापसी कर देंगे? आपने अलाइनमेंट नीचे डाउन करा दिया, जो बाईपास था उसका भी आप नीचे कर दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने पूर्वांचल का श्रेय लेने के तो देश से कह रहे हैं कि हम ही ठीक किए हैं, लेकिन आप बता दीजिए एक काम इनका जो ये लगे कि हम सीना ठुक कर कह दें। अच्छा ये बताइए, खाद्य सामग्री इनका प्रोजेक्ट है, ये कांग्रेस ने लाए, खाद्यान्न योजना ये पूरी योजना कांग्रेस ने लाई थी। मैं आपको विषांतर कर रहा हूँ, आप छात्र राजनीति से रहे हैं, गाजीपुर में विश्वविद्यालय बहुत पुरानी मांग है, महती आवश्यकता है, 100 से अधिक डिग्री कॉलेज है, क्या लगता है सरकार बनेगी तो इधर ध्यान देंगे आप लोग? जी देखिए, विश्वविद्यालय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने चंद्रशेखर जो विश्वविद्यालय बनाया है जी, विश्वविद्यालय का एक स्वरूप होना चाहिए। आप यदि मेन सांग फाइयान के समय से देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय जहाँ 10,000 विद्यार्थी के उनके जैसी थे, विश्वविद्यालय बनाने के सवाल पर हम कहीं से अलग नहीं हैं। यदि गाजीपुर का डिमांड होगा और वो चाहेंगे कि विश्वविद्यालय बने, तो हम गाजीपुर के विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूरी जोर प्रयास ही नहीं करेंगे, मैं करवा दूँगा। लेकिन अभी हमको मेडिकल कॉलेज चलेगा तो नहीं चलेगा, मेडिकल कॉलेज कैसे इससे हम ठीक किया जाए, मेडिकल कॉलेज जो सुचारू रूप से फैकल्टी कैसे सर्वाइव करें, जो हमारे रोड बने थे वो रोड अभी टीबी रोड जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रोड है, तो आप पता कर लीजिए कि टीबी रोड अभी तक कंप्लीट नहीं, 13 मीटर की जगह
दस मीटर पर ख़त्म हो गए और 3 मीटर के 1.5 मीटर हम बनाना चाहते थे उनका सेटअप, वो अभी नहीं बने। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसे हमें करना है, इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग लगे हैं कोई ना कोई गाजीपुर पिछड़ापन के कगार पर खड़ा है। क्या लगता है पूरे पूर्वांचल में क्या आपका दौर रहता है या पूरे यूपी में कुल कितनी सीटें आएंगी सरकार को, इस पर बता दें। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और कुछ